आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ संत कुंज DLF प्रोमिनेंट मॉल एक्सप्लोर करने के लिए। दिल्ली में आके सिर्फ इकलौता यही मॉल है जिसके बारे में मैंने सब सुना है, तो सिर्फ अच्छा ही सुना है कि बहुत लग्जूरियस मॉल है, बहुत अच्छे से बनाया गया है अंदर, और मतलब बहुत बढ़िया मॉल है। तो चलते हैं आज ये मॉल एक्सप्लोर करके आते हैं। फाइनली पहुंच तो मैं चुका हूँ DLF प्रोमिनेड वसंत कुंज, और चलते हैं अंदर। ये सब सारे यहाँ पर मॉल्स ना बहुत लग्जरी लगते हैं, यहाँ पर तीन चार मॉल्स हैं, बाकी दो तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मेरे ब्लॉग्स में जाके देख सकते हो। अब ये वाला दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा लग्जरी मॉल्स हैं, मज़ा आता है भाई। आओगे ना ऐसा मतलब डिप्रेशन सा फील होता है भाई। सड़कों पर यहाँ पर आम ढाई ढाई तीन तीन करोड़ की गाड़ियाँ दिखती है, कुछ तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो ग्रीन ओडी, क्या मस्त लग रही है ना, हटके कलर है। अंदर चलते हैं। जो बेसिकली मॉल का वो वाइब फील होती है ना, वो एंट्रेंस पे ही फील हो जाती है भाई साहब। यहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड ही रोकते रहते हैं व्लॉगिंग करने से, भाई बंदा इतनी दूर आया है तो व्लॉगिंग तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे ना। एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे व्लॉगिंग करते देख लिया था, मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा है, तो खैर घूमता रहे अपने को क्या। यहाँ का फूड कोर्ट वाइब तो बहुत मस्त है भाई मॉल की, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो मैं बाहर जाके बताऊंगा, पर यहाँ की वाइब तो बहुत ज़बरदस्त है। साथ वाले मॉल की तरह यहाँ पर भी सारे लग्जूरियस ब्रांड्स हैं, और जहाँ पर मैं आया था ना लास्ट टाइम दिखाया था फाइव स्टार मॉल है, उसी तरह यहाँ पर भी सारे लग्जूरियस ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे नाम भी नहीं सुना है डाइसन के, जैसे इसका शोरूम मैंने कहीं नहीं देखा, यहाँ पर इसका शोरूम है। इतने महंगे महंगे वैक्यूम क्लीनर इसका 40-50 हज़ार का आता है, पर ये वाली चीज़ तो हर एक मॉल जैसे ही है। बाहर ठेले लगते हैं, जैसे पैसिफिक मॉल के लगते हैं ना, इतने बड़े बड़े मॉल्स के बाहर भी ठेले लगते हैं, मतलब ये हम जैसे लोगों के लिए है, बाहर हम यहाँ से शॉपिंग अफोर्ड कर सकते हैं, अंदर से तो भाई घर भेजना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया व्लॉग में, इस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे एंट्रेंस पे ही व्लॉग बनाते देख लिया था, वो मेरे पास एक बार आया जो उसकी जॉब भी है कि भाई यहाँ शूट मत करना, मैं कहा ठीक है नहीं करूँगा, और मैंने करना भी नहीं था वहाँ पर शूट। तो भाई फिर पूरे मॉल में ना वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहा भाई एज अ पंजाबी, फिर मुझे खुजली होगी, मैं कहा यार अब तू रोकने पर आया है तो चल मैं भी बना के ही जाऊँगा, फिर मैं बनाऊँ जैसे मैं सेकंड पे जाऊँ वो सेकंड पे आए, मैं फर्स्ट पे आके फिर फर्स्ट का व्लॉग बनाऊँ, फिर फर्स्ट पे आए फिर मैं सेकंड पे जाके व्लॉग बनाऊँ। तो तुम्हारा भाई थोड़ा बहुत तो व्लॉग बना के आया, पर बढ़िया बना भाई, ज़रूर देखना और आना है। पर मॉल तो वैसे बढ़िया है, वीडियो नहीं बनाना तेरे पास, मॉल तो बढ़िया है। किसी हद तक इनकी बात भी ठीक है कि भाई साहब अगर सब व्लॉग में ही दिखा देंगे लोग तो विज़िट कौन करेगा। मान लो कोई शॉपिंग करना चाह रहा है और वो रैंडम यहाँ विज़िट कर ले, अफोर्ड ना भी कर रहा हो चाहे, पर विज़िट कर ले, वो तो आके ही पता लगेगा ना उसको कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। पर जैसे जो ब्लॉग देख के आएगा वो तो कैंसिल ही कर देगा पहले कि ना भाई यहाँ से अफोर्ड नहीं करता मैं, तो उनका बिज़नेस भी इफेक्ट पड़ता ही है, तो इस वजह से चलो कोई बात नहीं, अपन वापस चलता है। गाइस आज घर आने में मैं लेट हो गया, तो शायद आज ब्लॉग नहीं आ पाएगा, ये ब्लॉग आएगा कल, और देख ही सकते हो आप 7:30 बज रहे हैं अभी, और ये ब्लॉग अभी कम्प्लीट भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे वहाँ ही ब्लॉग नहीं बनाने दिया, तो ब्लॉग कंप्लीट भी करना है, एडिट भी करना है, तो ये ब्लॉग कल ही आएगा, तो अब घर चलते हैं फटाफट। सो गाइस घर तो मैं आ चुका हूँ, और आज का दिन थोड़ा सा ऐसा ही था क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने गया, और मैं इसी इंतज़ार में बैठा था कि आज वहाँ का ब्लॉग डालूंगा, पर अनफॉर्चुनेटली अंदर ब्लॉग नहीं अच्छे से बनाने दिया, पर जितना हो सका मैंने आपको ज़रूर दिखाया। पर काफ़ी बार होता है ऐसे ब्लॉगिंग में कि हाँ नहीं बनाने दे रहे आपको ब्लॉग, और पर इस चीज़ की आदत हो गई है अब, पहले होता था बहुत ऑकवर्ड लगता था, पर अब थोड़ा छुप छुप के बना ही लेते हैं व्लॉग, क्योंकि काफ़ी जगह अब ऐसा हो गया है कि चंडीगढ़ में भी मोहाली में भी कि रोकने लग गए हैं, यहाँ शूट मत करो, यहाँ मत करो, यहाँ मत करो। अगर आप ऐसे सीधा कैमरा रख के व्लॉग वीडियो बना रहे हो तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे आपका कैमरा घूम गया वैसे आपके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे हम कोई क्राइम कर रहे हैं।
पर आपको सब चीज़ की तो आदत डालनी चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो। और मैं तो कहता हूँ अगर ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आप आ रहे हो तो बस यही सोच क्या हो कि थोड़ी सी शर्म वगैरह आपको साइड रख के आनी पड़ेगी। यहाँ पर इस चीज़ का कोई काम नहीं है भाई। अगर आप भाई इसको बेच दें तो पता नहीं क्या बेच रहा है। तो मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी कि हाँ लोग बीच में आकर रोक देते हैं। और स्पेशली अगर आप बैक कैमरा करके बोल रहे हो ना तो उनको तो प्रॉब्लम होती होती है कि हाँ भाई ये क्या बोल रहा है। कई तो वीडियो डिलीट करवा देते हैं, वो तो खुद के अंदर होता है, नहीं देंगे भाई फोन नहीं देंगे, जब बुला ला मैनेजर को। ऐसे थोड़ा सा करना पड़ता है यार, क्या करें अब। तो चलो अब इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।